दुनिया में गैंगरेप की घटना के बाद सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी है। और इस पूरे मामले को लेके जो पटना के तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं, जो पीयू के अध्यक्ष हैं मनीष जी वो भी सड़क पर उतरे। मनीष जी, क्या कुछ घटना हुई और क्या कुछ डिमांड करते हैं कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए? देखिए, सबसे पहले तो पटना विश्वविद्यालय के जिस कॉलेज में ये घटना हुई उसको, उस प्रिंसिपल को ये जानकारी नहीं है कि छात्र जिसके साथ घटना हुई वो किस किस डिपार्टमेंट के हैं, छात्रा जिसके साथ घटना हुई किस डिपार्टमेंट के हैं। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी पता नहीं है कि ये घटना किसने की और किसके साथ हुई। बताइए कि विश्वविद्यालय कैसे चलेगा हमारा। बिहार के मुख्यमंत्री को भी पता नहीं है कि ये घटना कब हुई, किस दिन हुई, किसके साथ हुई। हमारे लोकल थाना को पता नहीं कि घटना कब हुई है। अजीब हाल है, अभी तक ना छात्र गिरफ्तारी हुई है, ना जिसके साथ घटना हुई है उससे कोई बातचीत हो पाई है, नाम तक विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं जान रही है। हमारी डिमांड है कि जल्द से जल्द जिसने भी यह घटना को अंजाम दिया है उसको विश्वविद्यालय से सबसे पहले बर्खास्त किया जाए, उसको उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करके उसे जेल भेजा जाए। देखिए, सीधे तौर पर तमाम जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से तमाम जो छात्र छात्राएं वो पटना के कारगिल चौक पर सड़क पर उतरे हैं। तमाम लोगों की डिमांड है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। सीधे तौर पर कुछ छात्राएँ भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मैडम, घटना काफ़ी शर्मसार कर देने वाली, क्या कुछ डिमांड करती हैं आरोपी? हम लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं, हमारे कॉलेज में बहुत कुछ नहीं है, लड़कियों के लिए सेफ्टी नहीं है। उसके आज जो घटना हुई है, गैंगरेप की घटना हुई है, क्या कुछ दोषियों पर कार्रवाई हो, क्या डिमांड? अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जल्दी से जल्दी को पुलिस को उन लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या कुछ डिमांड है आप लोग? आरोपियों को फांसी की सजा वो भी जल्द से जल्द हो, ये नहीं कि 4 साल बाद हो, जल्द से जल्द हो। देखिए, सीधे तौर पे जो पटना में गैंगरेप की घटना घटी और इस पूरे मामले को लेकर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया और पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, ये वारदात जो है पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र में घटी है। लड़की को किसी बहाने बुलाया जाता और उसके बाद चार जो लोग हैं वो गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं और लगातार बिहार में बेटियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तस्वीरों में देख लीजिए कि कैसे तमाम जो भारी संख्या में छात्र जो हैं वो पटना की सड़कों पर उतर चुके हैं और सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाए। रोहित यादव, चलिए ना, बढ़िए ना आगे।